वेलकम गाइस। तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि ओवर पावर सुपर हीरो पे वीडियो बनाए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 ओवर पावर सुपर हीरो MCU। हमने इन सुपर हीरो को इनके एबिलिटी, फाइटिंग स्किल, इंटेलिजेंस और ओरिजिन से कंपेयर किया और इन्हें एक्सटेंड किया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ओवर पावर सुपर हीरो की बात आ चुकी है, तो सबसे पहले ओवर पावर सुपर हीरो में आता है थॉर। या दोस्तों, थॉर यानी कि गॉड ऑफ थंडर। हर एक इंसिडेंट में थॉर को, मतलब अगर वो हो एसगार्ड से निष्कासित करना या स्टॉर्म ब्रेकर टूट जाना, हर बार उसे नई ताकतें और सही फैसले लेने में मदद मिली है। अगर बात करें थॉर के ओवर पावर होने की, तो थॉर एक में वो सुपर हीरो है जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन का सामना करके थैनोस के सीने में स्टॉर्म ब्रेकर घुसेड़ दिया, और वो एक एसगार्डियन है तो उसे मारना और भी मुश्किल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जब ओवर पावर सुपर हीरो की बात आ चुकी है, तो हम इसमें हमारे हरे दानव यानी कि हल्क को नहीं भूल सकते। हम इसमें पागल ब्रूस बैनर को नहीं जान रहे, हम इसमें सिर्फ हल्क की बात कर रहे, हमारा एंग्री यंग मैन और हरा रक्षक। हल्क एक बहुत ताकतवर सुपर हीरो, उसने अब तक थॉर, थैनोस, अल्ट्रॉन और आयरन मैन तक से अच्छी लड़ाई की है और उन्हें बड़ी टक्कर दी है। हल्क को गुस्सा आएगा, जितना उसे गुस्सा आएगा उतनी उसकी पावर बढ़ेगी, और हल्क के पास हीलिंग फैक्टर भी है जो हमने थॉर रैग्नारोक में देखा। और हमें ऐसा लगता है कि अवेंजर्स 4 में हल्क ही थैनोस को मारेगा, और क्योंकि हल्क थैनोस से अपना बदला लेना चाहता है। अब बारी आती है हमारी विधवा डायन की यानी कि स्कारलेट विच। उसे उसकी पावर माइंड स्टोन की वजह से मिली। वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है और माइंड पढ़ सकती है। जब स्कारलेट विच ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में ट्रेन को रोका था, तब हमें पता चला कि वो कितनी पावरफुल है। पर उसने तो कमाल ही कर दिया, जो कि इन्फिनिटी वॉर में स्कारलेट विच ने उसकी हद पार कर दी। यानी कि उसने इन्फिनिटी वॉर में एक इन्फिनिटी स्टोन यानी कि माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और साथ ही साथ थैनोस को भी रोका। तो हमारे डायन में भी अब बहुत ज़्यादा ताकत आने लगी, तो सब बच के रहिए। तो अब बारी आती है हमारे नए यानी कि पुराने ये मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर यानी कि सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि न्यानी बाबा राम रहीम, मतलब द ग्रेट मैजिशियन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, द सॉर्सरर सुप्रीम। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज जिनके पास एक इन्फिनिटी स्टोन यानी कि टाइम स्टोन है, और उन्हें डोरेमोन को भगा भगा के मारता। डॉक्टर स्ट्रेंज अपना फ्यूचर देख सकते हैं, पास्ट में वापस जा सकते हैं, फ्यूचर में भी वापस जा सकते हैं, या टाइम में किसी को रोक सकते। जैसे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में डोरेमोन को रोके देगा, और उनके पास उनके लाइफ लॉन्ग शील्ड है। कैप्टन अमेरिका की तरह नहीं, एक बार शील्ड गई तो काम से गई। अगर हम इन्हें भूल जाते हैं तो हमें जूती पड़ती। डॉक्टर स्ट्रेंज MCU के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने डोरेमोन को भगा भगा के मारा, जो कि हमने देखा कि डोरेमोन कॉमिक्स में कितना बड़ा कैरेक्टर है। तो अब बारी आती है हमारी विधवा डायन की, नहीं विधवा डायन कैप्टन मार्वल, और बारी आती है उसकी दादी की, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन सुपर स्कल के साथ आधी ह्यूमन है और आधी कैप्टन मार्वल है। कैप्टन मार्वल को अगर आपने कॉमिक्स से एनिमेटेड सीरीज में देखा होगा, तो आपको पता होगा कि वो कितनी पावरफुल है, और उसने इन्फिनिटी वॉर प्रेलूड कॉमिक सीरीज में तो थैनोस को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। कैप्टन मार्वल हमारे कुछ ओवर पावर सुपर हीरो में आती है, जो कि हमें कैप्टन मार्वल की पूरी पावर पता नहीं। वो अभी उसकी मूवी आने वाली है 23 मार्च को, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैप्टन मार्वल कितनी पावरफुल है, और उसने हमें MCU में नए कैरेक्टर यानी कि स्क्रल्स भी इंट्रोड्यूस होने वाले। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारे ओवर पावर सुपर हीरो कैसे लगे हमें कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दिस क्रेजी स्टूडियो विल हैट्स ऑफ टू यू, बी क्रेजी लाइक मी। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले Top 10 फैक्ट अबाउट टोनी स्टार्क। तो हमारे अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगली वीडियो को देखना ना भूलें।